सो हेलो गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को शुरू से लेकर वीडियो को एंड तक देखना। यहाँ पर हम बहुत सारे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। यहाँ पे एक टूर्नामेंट चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, और यहाँ पे मैंने गेम में नेम चेंज कर लिया है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्यों चेंज किया है। और यहाँ पे हमारा नया डायमंड रॉयल भी आ चुका है, तो इसको निकालने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि अगर ये वाला डायमंड रॉयल आएगा तो जब भी आएगा मैं इसको ज़रूर से निकालूंगा, देखने में बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि मेरे पास 34 वाउचर पड़े हैं, तो देखते हैं इतने में निकलता है या फिर डायमंड से स्पिन करना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर फ्री फायर खेलते हो तो नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। सो गाइस, यहाँ पे स्पिन करते करते हम लोग कुछ टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो टॉपिक है वो है टूर्नामेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि एक टूर्नामेंट आने वाला है यूट्यूबर के लिए, और उसका नाम होने वाला है स्ट्रीमर बैटल, और वहाँ पे हर महीने जो है 1 लाख डायमंड का प्राइज रखा जाएगा। तो वो टूर्नामेंट फाइनली यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, उसका एक राउंड हो भी गया है। एक राउंड के अंदर 6 मैच होते हैं, वो भी एवरी फ्राइडे को, और उसमें हमारी टीम भी सिलेक्ट हो चुकी है। और कल यानी कि फ्राइडे को हमारा पहला राउंड था जिसके अंदर 6 मैच हुए थे, 3 बरमुडा और 3 कलाहारी। तो उसके अंदर से हमने एक बुया भी निकाला था, और अभी जो है पहले दिन की हमने पोजीशन बना ली थी 6th पोजीशन। और ये वाला टूर्नामेंट पूरे महीने चलने वाला है, और इसका लाइव स्ट्रीम होता है बुया ऐप पर। तो जो भी बंदे देखना चाहते हो तो बुया ऐप पे आ जाना एवरी फ्राइडे को शाम को 6 बजे। लगातार यहाँ पे 6 राउंड होते हैं, मतलब 6 मैच होते हैं, 3 कलाहारी के, 3 बरमुडा के। तो हमारा मतलब हमारी जो टीम है उसके अंदर किसी ने भी अभी तक कभी भी ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं खेला हुआ था, इसीलिए एक्सपीरियंस थोड़ा कम था। फिर भी यहाँ पे हम 6th पोजीशन पे आ चुके हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। और गाइस, इस वाले टूर्नामेंट के अभी 3 राउंड और भी होने वाले हैं। दूसरा राउंड होने वाला है 8 तारीख को, उसके बाद होने वाला है 15 तारीख को, और उसके बाद होने वाला है 22 तारीख को। तो अगर आप देखना चाहते हो तो आ जाना, मैंने जो डेट बताई उसके हिसाब से 8 तारीख, 15 तारीख और 22 तारीख को शाम को 6 बजे स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे 3 कलाहारी, 3 बरमुडा में होने वाले हैं। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि लाइव का फर्स्ट ऑफिशियल टूर्नामेंट डायरेक्ट हम टॉप 3 के अंदर आने का पूरा ट्राई करेंगे। और गाइस, पहले राउंड के जो कल 6 मैच हुए थे वो किस किस ने देखा था बुया ऐप पर लाइव, कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। और वहाँ पे आपको क्या खास देखने को मिला था हमारी टीम से, कमेंट करके जरूर से बताना। और गाइस, इस बार मैंने रैंक पुश वाला वीडियो नहीं डाला है, तो वो शायद थोड़ा लेट होगा। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि टूर्नामेंट चल रहा था कल, इसकी वजह से हम लोग ने प्रैक्टिस बहुत की थी, उसके चक्कर में हमने रैंक पुश नहीं की थी। बाकी आपको पता है कि हर बार मैं 1 दिन के अंदर ग्रैंड मास्टर पहुँच जाता हूँ, लेकिन इस बार नहीं कर पाए क्योंकि ये टूर्नामेंट चल रहा था। तो रैंक पुश का गेम प्ले वाला वीडियो, और यहाँ पर जो है टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो, सब कुछ आने वाले हैं। तो बेल आइकन को ऑल पे सेट रखना। यहाँ पे रैंक नया सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो इसके ऊपर टिप्स एंड ट्रिक्स भी आने वाले हैं, और आप इजीली कैसे रैंक पुश कर सकते हो उसका वीडियो भी आएगा। तो ज़रूर से बेल आइकन ऑल पे सेट रखना, और जैसे वीडियो आए उसको देख लेना, ठीक है। और गाइस, यहाँ पर जो टूर्नामेंट चल रहा है उसकी वजह से मैंने जो है अपना नाम चेंज किया है उसके रूल्स की वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा नाम अभी है YT-KDM, और पहले क्या था आप सभी को पता है। आप लोग मेरे को बताना अच्छा कौन सा लग रहा है, बाकी 1 महीने तक मैं चेंज नहीं कर सकता, टूर्नामेंट 1 महीने तक चलेगा, तब तक मेरा YT-KDM ही नाम रहेगा। उसके बाद मैं शायद जो पुराना वाला नाम था वो फिर से रख लूँगा। सो गाइस, यहाँ पर अब हम लोग देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में जो 2 इलेट पास का गिव अवे था उसके अंदर किस किस को मिला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो गेमिंग विथ हसन ने कमेंट किया था उनका UID, और उनको मिल चुका है इलाइट पास। और यहाँ पे दूसरा है सोमन साहू करके कोई है जिसने UID दिया हुआ है, तो ये दोनों विनर है इलाइट पास के। बाकी 3 इलाइट पास के गिव अवे और भी होने वाले हैं KTM Army चैनल पे, तो उसका लिंक मैंने दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जाओ सब्सक्राइब करो। KTM Army सर्च करो यूट्यूब पर और पहला चैनल आएगा, तो वहाँ पर भी मैं फ्री फायर की वीडियोज़ डालता रहता हूँ, बहुत खास वाली वीडियो जो इस चैनल पर नहीं डालता हूँ, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना। वहाँ पर हर वीडियो के अंदर गिव अवे होता है, तो ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। और गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास 34 वाउचर थे, लेकिन अभी तक मेरे को नहीं निकला है, तो मैंने यहाँ से 3 वाउचर और भी ले लिए FF टोकन से। यहाँ पर देखते हैं इन दिन से निकल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो फिर डायमंड यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मेरा जो लकी पॉइंट है आप देख सकते हो कि 86 हो चुका है, और मतलब 14 स्पिन करना है तब तक मिलने का ज़्यादा चांस है, और 100 होने के बाद तो मिलने का चांस एकदम ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने स्पिन और करने पड़ेंगे। और अब जो है यहाँ पर डायमंड से स्पिन करते हैं, और 10 स्पिन और कर लेते हैं, अगर 10 में निकलता है तो ठीक है, बाकी छोड़ देंगे। और यहाँ पर 10 यानी कि 600 डायमंड लगेंगे, ठीक है। और यहाँ पर लकी पॉइंट जो है 100 भी हो जाएगा, तो पूरे चांस है निकलने के, देख लेते हैं कितने पर निकलता है। और यहाँ पर हर्ष को निकला है सिर्फ और सिर्फ 11 वाउचर में, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ वाउचर में निकल गया, वो भी 10-12,
लेकिन मेरे को नहीं निकला भाई, मतलब डायमंड यूज कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रहा है। और गाइस ये वाला ड्रेस देखने में काफी अच्छा है, बाकी देखने में थोड़ा बड़ा भी है। गेम के अंदर अगर आप इसको पहन के जाओगे तो आपको खेलने में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा, मूवमेंट स्पीड थोड़ा कम लगेगा क्योंकि ये देखने में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगेगा, ठीक है। और गाइस आप में से किस किस ने इसके लिए स्पिन किया, कितना किया, कमेंट करके ज़रूर से बताना, और आपको मिला या फिर नहीं मिला वो भी कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि यार मेरे 400-500 डायमंड उड़ चुके हैं, बाकी यहाँ पर लक पॉइंट जो है 100 के बहुत पास आ चुका है, 2 स्पिन और करने हैं यानी कि 120 डायमंड और लगेगा। और यहाँ पे 60 का और किया, इसमें भी कुछ खास नहीं मिला। बाकी यहाँ पे लास्ट स्पिन कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 99 लक पॉइंट हो चुका है और 100 पे यहाँ पे चांस बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्डन बॉक्स आया है और इसके अंदर फाइनली यहाँ पे मिल चुका है हमें ये वाला बंडल। और गाइस जो भी बंदे गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो KTM आर्मी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पर मैं स्टोरी डाल दूंगा जब भी वहाँ पे नए मेंबर ऐड करना स्टार्ट करूंगा तब। अभी जो है यहाँ पे नया रैंक सीजन अभी स्टार्ट हुआ है तो कुछ दिन तक नए मेंबर ऐड नहीं होंगे, लेकिन थोड़े दिन बाद यहाँ पे मैं स्टोरी के अंदर रिक्वायरमेंट डाल दूंगा, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट है तो आप वहाँ पे गिल्ड के अंदर आ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी और भी फ्री फायर के वीडियोस देखने के लिए नेशनल गेमर को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर देना। और गाइस बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देम टेक केयर, गुड बाय।